आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है, कैसे बनाते हैं, ये सभी फार्मूले जो हैं आज हम लोग इस पार्ट के अंदर जानेंगे। डिग्री जो होती है तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है पास्ट डिग्री, दूसरी होती है कंप्लीट डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है पास्ट डिग्री, एक होती है कंप्लीट डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पास्ट डिग्री से कंप्लीट डिग्री किस तरीके से बनाते हैं, उसके क्या फार्मूले होते हैं, वो अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो अपना नोट भी कर सकता है। नोट नंबर एक, यदि तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हो तो वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करते हैं। यदि तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हो तो वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करते हैं। सेकंड पॉइंट है, यदि वाक्य में नॉट लिखा हो तो हटा देते हैं और हटा हो तो लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो है इसका, जहां पर सो लिखा होता है सो को हटा करके आगे वाली मीनिंग में ER जोड़ना रहता है और H को हटा करके then जोड़ना होता है। इस तरीके से जो अपने सेंटेंस हैं उन सेंटेंसों को हम बनाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में राम इज सो टाल एज मोहन, ठीक है। इसका हमको बनाना है कंप्लीट डिग्री। ये सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है सो और यहाँ पर क्या लगा हुआ है एज, ठीक है। इनसे हम पहचान जाते हैं कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तुलना दो या दो से व्यक्तियों में दी होती है या वस्तुओं में दी होती है या स्थानों में दी होती है तो वाक्य की शुरुआत अंतिम कर्ता से करते हैं, ये हमारा बन जाएगा कंप्लीट डिग्री। इधर से क्या हो जाएगा मोहन हो गया, फिर इसके बाद सहायक क्रिया मोहन के साथ ही लग जाएगी। इसको हटा करके आगे वाली मीनिंग में ER जोड़ना है, जोड़ दिया। इसको हटा करके देन जोड़ना है, जोड़ दिया। बचा हमारा राम, राम। ये इस तरीके से हम पास्ट डिग्री से कंप्लीट डिग्री जो है सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं इसी में हम आगे दूसरा सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव डिग्री का, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे ए फॉक्स, सॉरी इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसमें हमको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे द फॉक्स इज सो वाइज एज ही, इसको हम बनाएंगे कंप्लीट डिग्री। क्या बन जाएगा इसका, जब हम बनाएंगे कंप्लीट डिग्री, बहुत ही आसान सा ट्रिक है बनाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लाएंगे यहाँ पे ही हो गया हमारा, ही के साथ क्या लगाएंगे इज, इसको को हटाया आगे वाली मीनिंग में, सॉरी नॉट नहीं लिखाना तो नॉट लिख लेंगे, आगे वाली इसको हटाया आगे वाली मीनिंग में ER जोड़ दिया, इसको हटाया देन लिख लिया दी फॉक्स लिखा हुआ है दी फॉक्स हो गया। इस तरीके से अपना हम सेंटेंस इसको पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। दूसरा सेंटेंस और देख लेंगे, आगरा इज नॉट सो कूल एज दिल्ली, ठीक है। इसको हम बनाएंगे कहे में कंप्लीट डिग्री, तो कंप्लीट डिग्री क्या बन जाएगा, इधर से क्या लाएंगे दिल्ली, दिल्ली हो गया। इज नॉट लगा है तो नॉट हटा देंगे, सो बचा, सो को आगे वाली मीनिंग में जोड़ दोगे तो कूल का बन जाएगा कूलर। एच को हटाएंगे देन लगाएंगे, अब बचा हमारा आगरा, तो हम इसमें आगरा ऐड कर लेंगे। इस तरीके से
ये सेंटेंस बनाते हैं। आई होप सभी को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी सेंटेंस में कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर बताएं हमें। फिर इसके बाद अगला नोट जो है, अगला नोट पढ़ ले बच्चे। यदि तुलना दो या अगला नोट है, यदि तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं में है, यदि तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थानों के बीच में है, तो उस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे और उसे किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे। यदि इस तरीके से सेंटेंस होगा तो हम उसे देखते हैं कि किस तरीके से उसकी शुरुआत करेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत जो है वेरी फ्यू से हो, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, तो देन के बाद मोस्ट अदर प्लस नाउन लिख देते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू प्लस नाउन से है, ठीक है, तो उसको हम देन के बाद मोस्ट अदर प्लस नाउन लिख करके बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी स्टूडेंट को। जैसे लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो हॉट एज अफ्रीका। ये सेंटेंस हमारा बन गया। वाक्य में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में वेरी फ्यू। यदि वेरी फ्यू से वाक्य की शुरुआत होगी तो हमें ध्यान देना है कि दैन के बाद मोस्ट अदर ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां से हम लाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, अफ्रीका। अफ्रीका बन गया, अफ्रीका के साथ में इज लग जाएगा, कंट्रीज है इसलिए इसमें आर लगा है। अफ्रीका इज, अब इसको हटाएंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, अफ्रीका इज हॉटर, अब ये बचा एज, इसको हटाएंगे। देन इसको हटा करके कुछ लिखना नहीं है, ये केवल पहचान के लिए हमने बताया था कि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी तो देन के बाद मोस्ट अदर लगाएंगे, देन के बाद मोस्ट अदर प्लस नाउन लगाएंगे। क्या बचा, कंट्रीज, ठीक है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम अपना बनाएंगे। सेंटेंस में कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी फ्यू, फिर इसके बाद हो जाएगा वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर सो बिग एज कानपुर। इसका भी हम बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री। इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा क्या, कानपुर। कानपुर सिंगुलर है, इज लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, बिग, इज बिग का बनाया बिगर बन गया, फिर इसको भगाया देन बन गया। देन के बाद क्या लगाते हैं, मोस्ट अदर, क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर, और फिर क्या जोड़ेंगे, मोस्ट अदर के बाद हमारा यहाँ बचा इंडियन सिटीज। ये सेंटेंस हमारा जो है पूरा बन करके तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे धीरे से आगे। जैसे कि हमारा पॉजिटिव डिग्री में ही तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला पार्ट हमारा ये बन गया, ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इतना दो सेंटेंस जो हमारा सेकंड पार्ट के हैं, ठीक है, ये
सेकंड पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। अब इसमें इसका जो अगला फार्मूला है उस फार्मूले को सब लोग बच्चे नोट कर लेंगे। लिखें, यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो, यदि वाक्य की शुरुआत जो है नो अदर से होगी तो देन के बाद एनी अदर प्लस नाउन लिख देंगे। यदि वाक्य की शुरुआत नो अदर प्लस नाउन से है तो देन के बाद एनी अदर प्लस नाउन लिख देते हैं। इसी से हमारा जो पॉजिटिव टू कंप्लीटेड डिग्री है वो एंड हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है नो अदर कंट्री, नो अदर कंट्री इज सो, नो अदर कंट्री इज सो No other country is so, फिर इसके बाद हो जाएगा hot as London। और जो लाइट चली गई थी इसलिए इन्वर्टर अभी ऑन किया है, हम कहें कि पता नहीं दिखे या ना दिखे शायद, इसलिए इन्वर्टर ऑन करना जरूरी था। अब इसमें हमारा हो जाएगा No other country is so hot as London, इसका बन जाएगा comparative degree। तो क्या हो जाएगा, London is hotter than any other country, ये हमारा सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम अपने सभी सेंटेंसों को बनाएंगे और बनाना जारी रखेंगे। जैसे नो एक सेंटेंस और बना देते हैं, इरेज कर देते हैं साथियों, ठीक है। इसको यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर लेते कर सकते बच्चे। सेंटेंस लिखेंगे नो अदर पॉइंट इन संस्कृत, No other poet in Sanskrit is so, no other poet in Sanskrit is so good as कालीदास। ठीक है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री में। तो क्या आ जाएगा, कालीदास को कालीदास कर लेंगे, इज सिंगुलर के साथ में इज आ गया, कालीदास इज, अब गुड काम ने बना लिया बेटर, क्या बनाएंगे बेटर, कालीदास इज बेटर, फिर देन आ गया, देन के बाद लगाएंगे हम एनी अदर poet in Sanskrit। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है हमारा बन करके तैयार हो गया। और पूरी तरीके से डेली हम एक न्यू चैप्टर लेकर के आपके पास आते रहेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जो 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं और जो स्पेशली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डेली रूटीन में अपनी क्लास डेली की डेली ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना इसी लहज से डेली की डेली क्लास लेंगे। और क्लास लेने के साथ साथ आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा, हम सिलेबस जिस तरीके से एक साल से हम लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं उस तरीके से मेहनत करते रहेंगे।